के लिए बस रोकने वाले जिस कंडक्टर ने दे दी अपनी जान, अचानक उसके घर पहुंच गए अखिलेश यादव। कंडक्टर की पत्नी से अखिलेश यादव ने की मुलाकात, पीड़ित परिजनों को दिया मदद का भरोसा। मोहित यादव के घर से सपा चीफ ने सरकार को ललकारा, भाजपाइयों को बताया बीमार मानसिकता वाला। दो तीन दिन पहले बरेली डिपो के कंडक्टर मोहित यादव की जान जाने के मामले को तो आपने देखा ही होगा। रेल की पटरी पर शव मिलने के बाद जो सच्चाई सामने आई थी उससे सरकार और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव मृतक मोहित यादव के परिजनों से मिलने मैनपुरी पहुंच गए। उन्होंने संवेदना जताते हुए मुसीबत की घड़ी में साथ रहने और मदद करने का आश्वासन दिया। बरेली डिपो के रोडवेज कंडक्टर मोहित यादव का शव मैनपुरी में रेल की पटरियों पर मिला था। बस नमाज प्रकरण के बाद मोहित यादव कंडक्टर की नौकरी गंवा चुके थे। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बरेली डिपो के ARM संजीव श्रीवास्तव ने बस ड्राइवर KP सिंह और कंडक्टर मोहित यादव की संविदा समाप्त कर दी थी। आमदनी बंद हो जाने से मोहित परेशान थे और उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मोहित यादव के कंधे पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। घर की बुनियादी जरूरतों को जब वो पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मोहित यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि BJP के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और मतदाता बताएं कि क्या ये सब जायज है। घड़ा दिल में रखने से भाजपाई क्या खुद को बीमार नहीं कर रहे। किसी के दुख से भाजपाइयों को सुख मिल रहा है तो ये आदत एक दिन भाजपाइयों को अपनों से भी दूर कर देगी। उन्होंने कहा कि मृतक मोहित यादव के परिजनों से मिलकर उन्होंने तकलीफ को साझा किया है। मुसीबत की घड़ी में परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाई बीमार ना बने बल्कि समझदार बनने की कोशिश करें। आपको बता दें कि बरेली डिपो की जनरथ बस में तैनात मोहित यादव पर आरोप ये था कि 3 जून की रात दो यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए उन्होंने बस रुकवा दी थी। बस नमाज प्रकरण में नौकरी छूट जाने के बाद मोहित यादव अपने गृह जनपद मैनपुरी आ गए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वो लगातार तनाव में थे और इसी वजह से उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।